हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा हमारी क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक की पोयम द लेबर्नम टॉप को, जिसके राइटर हैं टेड ह्यूग्स। तो पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है, द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लेबर्नम आखिर क्या है। लेबर्नम एक शॉर्ट हाइटेड ट्री है जिसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, काफी सारी मतलब ब्रांचेस होती हैं। इसके येलो फ्लावर्स होते हैं और इसके सीड्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो जो ये लेबर्नम ट्री है ये बिल्कुल साइलेंटली खड़ा है, बिल्कुल स्टिल अपनी जगह पर। और ये टाइम होता है आफ्टरनून का और जो मंथ होता है वो सितंबर का होता है। और जब आफ्टरनून के टाइम में उस पर सनलाइट पड़ रही होती है, जिसे ऑथर ने येलो कलर का बताया है। और इसकी जो कुछ लीव्स होती हैं वो येलो कलर में टर्न हो रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑटम का सीजन चल रहा है। और इसके काफी सारे जो सीड्स होते हैं वो आसपास गिरे हुए दिखते हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। इस लाइन में ऑथर कहते हैं कि अभी तक तो जो लेबर्नम का ट्री था वो काफी साइलेंट, काफी स्टिल खड़ा था अपनी ही जगह पर ये साइलेंस सिर्फ तब तक ही था जब एक गोल्डफिंच नाम की एक बर्ड वहां पर आती है। जो गोल्डफिंच है वो एक सिंगिंग बर्ड है जो काफी छोटी सी होती है, इसके येलो फेदर्स होते हैं। और ये बर्ड उस ट्री पर चर्पिंग करते हुए आती है। चर्पिंग का मतलब होता है जो साउंड्स बेसिकली बर्ड्स निकालती हैं। इसके बाद ऑथर कहते हैं, अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड। इसमें ऑथर ये बताते हैं कि वो जो बर्ड होती है वो एकदम से वहां पर आकर बैठ जाती है उस ब्रांच की एंड पे, और वो काफी सरप्राइजिंग होता है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि वो जो बर्ड होती है वो एकदम स्लीक होती है, एक लिजर्ड की तरह। स्लीक का मतलब होता है शाइनी, ग्लॉसी और स्मूथ। वो बिल्कुल लिजर्ड की तरह होती है, बिल्कुल अलर्ट और एब्रप्ट। अलर्ट का मतलब होता है वो बिल्कुल चौकन्नी होती है, और एब्रप्ट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल सडन होती है एक लिजर्ड की तरह। जैसे कि एक लिजर्ड काफी अलर्ट रहती है अपने आसपास की सराउंडिंग से और काफी सडनली मूव करती है जब भी उसे कुछ डेंजर फील होता है अपने आसपास, वैसे ही ये बर्ड भी काफी अलर्ट और एब्रप्ट है। और फिर वो बर्ड उस ब्रांच एंड पर जहां पर वो बैठी होती है वहां से थिकनेस की तरफ जाती है। थिकनेस का मतलब यहां पर है कि वो उस ब्रांच एंड से उस ट्री के इनसाइड की तरफ जा रही होती है जो काफी थिक होता है वहां पर, क्योंकि लीव्स होती है, काफी सारी ब्रांचेस होती है। और जैसे ही वो थिकनेस में एंटर करती है एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है। इसका मतलब है कि उस थिकनेस के अंदर या उन ब्रांचेस पर अंदर की साइड पर जो गोल्डफिंच है उसका अपना नेस्ट है, जिसमें उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहां पर अंदर बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो गोल्डफिंच अंदर जाती है वो जो सारे बच्चे होते हैं उनके वो एकदम से शोर करना शुरू कर देते हैं अपनी मदर को देखते ही, जिसे ऑथर ने रिलेट किया है एक मशीन के स्टार्ट होने जैसे। जैसे ही एक मशीन बिल्कुल स्टिल पड़ी होती है पर जैसे ही उसे स्टार्ट करते हैं वो एकदम से आवाज करने लग जाती है, वैसे ही उस गोल्डफिंच के जो यंग वंस थे वो भी काफी स्टिल थे अभी तक, पर जैसे ही वो अंदर जाती है उनके बच्चे बिल्कुल एक मशीन के स्टार्ट होने जैसे ही आवाज करने लगते हैं। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। उनके जो बच्चे होते हैं वो आवाजें निकालने लगते हैं, धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंखों को हिलाने लगते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी मदर को देखते ही। और ऐसा लगता है कि जो पूरा पेड़ है वो ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है काफी एक्साइटमेंट से, क्योंकि जो किड्स हैं वो काफी एनर्जेटिक दिखते हैं। इसके कारण हम रिजेंबल कर सकते हैं इसे, एक्चुअल में वो ट्री तो नहीं शेक कर रहा है पर हम इसे रिजेंबल कर सकते हैं उनकी एक्साइटमेंट को देखकर। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपनी फैमिली का एक इंजन है। और ऑथर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी, जैसे कोई मशीन होती है वो तभी स्टार्ट होती है, वो तभी वर्क कर पाती है जब उसका इंजन स्टार्ट होता है, वैसे ही ये जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपनी फैमिली का इंजन है, क्योंकि वो ही उन बच्चों को फीड करती है, उनकी देखभाल करती है और उनके कारण ही उनकी फैमिली सरवाइव कर पाती है। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। इसका मतलब है कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड होती है वो अपने यंग वंस को अच्छे से खाना खिला देती है और उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रांच के एंड की तरफ वापस से मूव करना चालू कर देती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और जब वो बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड, ब्रांच एंड की तरफ जा रही होती है तब वो अपने फेस को अपने यंग वंस को दिखाती है और उनका जो फेस होता है वो बार्ड फेस होता है। इसका मतलब है कि वो जो बर्ड जो है वो तो येलो कलर की है पर उसके फेस पर कुछ ब्लैक कलर की लाइंस हैं, बार्स जैसी,
जो उस बर्ड के लिए एक आइडेंटिटी मार्क की तरह काम करती है और वो अपना फेस अपने यंग वंस को इसलिए दिखाती है ताकि वो उस फेस को याद रख सके कि ये ही उनकी मदर है और वो किसी दूसरी बर्ड जब वो ट्री पर आए तब वो बच्चे शोर करना स्टार्ट न कर दे। और इसके बाद वो बर्ड ब्रांच एंड की तरफ चली जाती है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि इसके बाद जो गोल्डफिंच बर्ड होती है वो एक स्ट्रेंज मिस्टीरियस साउंड निकालती है जो काफी सॉफ्ट साउंड होता है, कुछ विस्लिंग के साउंड जैसा, और वो साउंड ऐसा लगता है कि कोई विस्पर कर रहा है क्योंकि वो काफी क्वाइट साउंड होता है। और जब वो ये साउंड निकाल लेती है तब वो इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है और इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर है एंडलेस स्काई। और एक बार वो बर्ड जब स्काई की तरफ उड़ जाती है तब ऑथर कहते हैं एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी कि जो लेबर्नम ट्री था वो वापस से पहले की तरह ही बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है पहले की तरह, क्योंकि अब वापस से ये बिल्कुल साइलेंट हो चुका है और कोई भी आवाज अब इसके आसपास सुनाई नहीं दे रही है। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी पोयम द लेबर्नम टॉप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।